छापा, लखनऊ से जनता को मुफ्त गैस सिलेंडर देगी योगी सरकार। 1,75,00,000 लाभार्थियों को 2 सिलेंडर के पैसे मिलेंगे और एलपीजी सिलेंडर की जगह बैंक खाते में ये पैसे भेजे जाएंगे। तो एक सिलेंडर के लिए 914.50 रुपए का भुगतान करना होगा, सीधे लाभार्थियों के खाते में 914 रुपए जाएंगे। और आपको बता दें, पहली किश्त की अगर बात करें तो इसी दिवाली पर खाते में भेजने का प्लान तैयार किया जा रहा है। एलपीजी सिलेंडर को लेकर ये बड़ी छूट देने की कोशिश कहीं ना कहीं दी जा रही है। 914.50 रुपए का भुगतान देना होगा और सीधे लाभार्थियों के खाते में 914 रुपए जाएंगे। और इसी दिवाली से माना जा रहा है कि इस प्लान को अमल में लाया जाएगा। तो खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता निखिल हमारे साथ लगातार बने, उनका रुख कर लेते हैं। निखिल, देखिए जिस तरीके से ये बड़ी खबर निकल कर आई है, जनता को मुफ्त गैस सिलेंडर योगी सरकार देने के प्लान में है और इसी दिवाली से देने के प्लान में, क्या कुछ इसको लेकर ताजा अपडेट आपके पास? देखिए, उज्ज्वला योजना के तहत 2 करोड़ लाभार्थियों को गैस सिलेंडर दिए गए थे और तभी से इस बात की मांग उठने लगी थी कि जो गैस सिलेंडर है उनको लेकर कम से कम त्योहारों पर गरीबों को मुफ्त दिया जाए। तो इसको लेकर सरकार ने फैसला किया था कि होली और दिवाली दो ऐसे मौके होंगे जब सरकार की तरफ से गरीबों को मुफ्त गैस दी जाएगी, सिलेंडर उनका रिफिल किया जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, अब जो लाभार्थी हैं उनके खातों को आधार से जोड़ा जा रहा है, लिंक किया जा रहा है, ताकि सीधे उनके खाते में जो गैस की जो कीमत है वो जमा की जा सके। दो ऐसे अवसर होंगे साल भर में, चाहे इसमें होली और दिवाली, दो मौकों पर ये गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे गरीबों को, ताकि वो भी अपने त्योहारों में बाकायदा आम लोगों के साथ जो है उत्सव मना सकें। ये सरकार की योजना है, चूंकि लोकसभा चुनाव भी है लिहाजा ऐसे चुनाव से भी जोड़कर विपक्षी दल देख रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा है कि कम से कम होली और दिवाली दो ऐसे बड़े जो त्योहार है जिस पर आम लोग जो है उत्तर प्रदेश में त्योहार मनाते हैं, तो कम से कम उस वक्त हर घर का चूल्हा जरूर जले। ठीक है निखिल, 2024 के लोकसभा चुनाव भी हैं और उससे पहले दिवाली गिफ्ट जो है सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। फिलहाल तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।